खबर। नमस्कार, जनपद मुजफ्फरनगर तहसील सदर विकास खंड कुकड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिगरी से प्रधान पद पर विजय प्राप्त करने वाली श्रीमती निर्वेश एवं उनके पति प्रवीण कुमार सैनी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। हमारी संवाददाता शाहिद अब्बासी ने नव निर्वाचित प्रधान के कुछ समर्थकों के अलावा उनके पति प्रवीण कुमार सैनी एडवोकेट से भी बात की। श्री सैनी ने हमारे संवाददाता को बताई अपनी कार्य योजना। आपका नाम? राजकुमार पाल। राजकुमार पाल जी, आप कौन से गांव में रहते हैं? गांव तिगरी। तिगरी में आपने जैसे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, काफी लोग लड़ रहे थे, क्या आपको किसने, आपने किसको वोट किया विकास के मुद्दे पे? प्रवीण सैनी एडवोकेट को वोट किया जी। प्रवीण सैनी एडवोकेट जी, क्यों किया आपने उनको? काफी लड़ रहे थे। काफी लड़ रहे थे प्रवीण सैनी एडवोकेट जी, जब तक प्रधान भी नहीं थे तब भी रात दिन गांव की सेवा करते थे। तो आपने इस मुद्दे पे वोट दिया उनको? तो अब निर्वाचित हो गए तो और भी विकास करेंगे गांव का, और पूरे गांव के साथ खड़े हैं। आपको पता है क्यों खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, पूरा विश्वास है जी, खड़ा उतरेंगे। 24 घंटे आप लोगों की सेवा में रहेंगे? बिल्कुल, पहले भी रहे जी, बिना प्रधान के भी अब भी रहेंगे। ये तो सुनने में आता है कि वो सिटी में रहते हैं, क्या उसके वो यहाँ पर गाँव में कैसे? अजी सिटी में कहीं नहीं, गाँव में रहते हैं अधिकतर। सिटी में भी है घर लेकिन गाँव में। अच्छा, 2 बजे के बाद में गाँव में आ जाते हैं जी। अच्छा, कोई समस्या होती है तो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे? 24 घंटे रात दिन उपलब्ध है। आपका कोई मुद्दा है क्या जिसके लिए आपने उन्हें वोट किया है? आखिर और भी लोग लड़ रहे थे यहाँ पर। नहीं, बस विकास का मुद्दा है जी। कितनी वोट से जीते हैं वो? 97-97। इनकी फाइट में कौन था यहाँ पर? फाइट में थे जी अवनीश प्रधान जी। अवनीश प्रधान, पूर्व प्रधान। उनको कितनी वोट मिला? उनको 501 वोट मिला। ठीक। आपका नाम? प्रवीण कुमार सैनी। प्रवीण कुमार सैनी जी, आप कहाँ से विजय हुए हैं? गांव तिगरी। गांव तिगरी, तिगरी। कितनी वोटों से जीते हैं आप? 97-97 वोट से। गांव से जीते हैं। आपका सबसे पहला काम क्या होगा गांव के लिए? गांव के लिए सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि गांव में हमारे जो है पेयजल व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है बहुत। अच्छा। पानी बहुत गंदा है। अच्छा। जो सरकारी नलके हैं वो सब ठप हो गए हैं। अच्छा। पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि मैं गाँव में टंकी का निर्माण कराऊंगा और घर घर तक जो है वो पानी पहुँचाऊंगा। आपको लोग बता रहे हैं कि पढ़े लिखे वकील साहब भी हैं, और दूसरी बात किसी तरीके की समस्या न्याय के लोगों का सुझाव सही था, आपको जो चुना है क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, जो लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ मुझे वोट किया है मैं उनके अपेक्षा पर खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना आई है? प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ पिछली योजना में आई थी लेकिन कोई आवास हमारे यहाँ नहीं बना। तो आप बनवाएंगे? मैं बिल्कुल बनवाऊंगा, एक एक मकान जो भी योजनाएं होंगी, चाहे एमपी कोटे की हो, एमएलए कोटे की हो, एमएलसी कोटे की हो, सब योजनाएं लाऊंगा। गाँव प्रधान से अलग भी जो भी योजनाएं होंगी वे सब मैं लागू कराऊंगा। पेंशन बनवाएंगे यहाँ पे लोग जी? पेंशन बनवाएंगे? विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वो सब बनवाई जाएगी।